हेलो एंड वेलकम टू एनएलपी। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनएलपी होता क्या है, जस्ट ओनली डेफिनेशन था। यदि नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने सजेशन में डाला हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज मॉडल, यूनिग्राम, बाइग्राम, ट्राइग्राम, एनग्राम एंड टोकनाइजेशन। तो लेट्स सी डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट कैन बी टेक्स्ट फाइल, बुक, ब्लॉग, आर्टिकल, वेब पेज। जस्ट लाइक यदि मैं गूगल पे जाता हूँ, टाइप करता हूँ व्हाट इज एनएलपी, सो मुझे कुछ लिंक्स मिलेंगे, उन लिंक्स को मैं बोल सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4। सो इनको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स में होता है टेक्स्ट या फिर एक सेंटेंस, और उन टेक्स्ट को मैं एक टेबल में डाल सकता हूँ। मीन्स यदि मैं उसको मैं कैटेगराइज करूं टेक्स्ट को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन। जस्ट लाइक एक टेक्स्ट है हाउ आर यू, तो उसको स्प्लिट करूंगा तो हाउ आर यू, मुझे तीन टोकन, तो मुझे यहां पे तीन टोकन्स मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो ये सारे टोकन्स हमें मिलते हैं डॉक्यूमेंट में। तो यहां पर जरूरी नहीं कि आप टोकनाइजेशन में ओनली एक पर्टिकुलर वर्ड को ही एज ए टोकन बोले, यहाँ पे हम एक सेंटेंस को भी एक टोकन एज ए टोकन कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट लाइक तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंटेंस टोकनाइजेशन। लेकिन यदि आप एनएलपी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ओनली टेक्स्ट स्ट्रिंग से काम नहीं चलेगा। उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को हमें न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज हम आगे जाके एनएलपी में देखने वाले हैं कि किस तरह से उनको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े और टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो कि जस्ट लाइक लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल होता क्या है। जस्ट लाइक एक टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट की मैं प्रोबेबिलिटी एक डॉक्यूमेंट में निकालता हूं कि इस टेक्स्ट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक डॉक्यूमेंट में कितनी है, या पर्टिकुलर एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी, वर्ड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक डॉक्यूमेंट में कितनी है। जस्ट लाइक एक प्रोबेबिलिटी मैंने यहां पे कैलकुलेट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी एक डॉक्यूमेंट में पाए जाने की। तो लैंग्वेज मॉडल भी दो तरह के हो सकते हैं। एक है स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज मॉडल, एनग्राम होता क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, एंड सेकेंड वन है न्यूरल लैंग्वेज मॉडल्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज मॉडल्स। इसको हम यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल भी बोल सकते हैं, जनरली इसको यूनिग्राम मॉडल बोलते हैं। यूनि मीन्स वन, वन वर्ड इन अ सेंटेंस। लाइक एक सेंटेंस है मेरे पास, यदि मैं एक पर्टिकुलर वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, तो इनको मैं टोकनाइज कर सकता हूं, ही ट्राई टू फाइंड, तो ये टोकन मुझे मिल चुके हैं। अब एक पर्टिकुलर वर्ड की मैं प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू टी। तो यहाँ पे एक टोकन में जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड हो, यहाँ पे हम दो वर्ड्स भी ले सकते हैं। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे बाइग्राम। बाय मीन्स टू, टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो अभी मैं इसका बाइग्राम निकालता हूँ। तो बाइग्राम में मुझे इस तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ही ट्राइड ट्राइड टू टू फाइंड फाइंड अ पोजिशन एंड सो ऑन। तो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू टी फॉर गिवन वर्ड डब्ल्यू टी माइनस वन। मीन्स ये एक वर्ड हमें मिलता है, तो इस वर्ड के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि ट्राइड साथ में है। मीन्स हमें ही की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि ट्राइड भी साथ में हो। जस्ट लाइक टू फाइंड फाइंड, जस्ट लाइक टू फाइंड। तो ये हो गया बाइग्राम। इस तरह से हम, तो इसका एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि एक मेरे पास पैराग्राफ है। अभी इस पैराग्राफ में कंप्यूटर्स है, एल्गोरिदम्स है, कई सारे वर्ड्स है। अब मुझे बाइग्राम में इस प्रोबेबिलिटी को यूज करना है। लाइक एल्गोरिदम के लिए, एल्गोरिदम की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी जबकि कंप्यूटर साथ में है, और हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक सेंटेंस। हम कंजुकेटिव भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें
एक सेंटेंस में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। लाइक ये एक सेंटेंस हो गया, इसमें इस सेंटेंस में कंप्यूटर वन टाइम है, दूसरे सेंटेंस में टू भी है, वन टू देन थ्री फोर, फोर टाइम्स हमारे पास कंप्यूटर है, लेकिन एल्गोरिदम हमारे पास कितने टाइम है? सेंटेंस में हम बात करेंगे तो एल्गोरिदम इस यहाँ पे हमें मिलती है, साथ में कंप्यूटर भी है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। देन उसके बाद हमें किसी भी सेंटेंस में दोनों एक साथ नहीं मिलते, तो ये हमें वन टाइम मिलता है, वन डिवाइडेड बाई फोर काउंट ऑफ एल्गोरिदम वेयर वी हैव कंप्यूटर इन अ सेंटेंस डिवाइडेड बाई काउंट ऑफ कंप्यूटर, तो ये 1/4 हो गया, मीन्स 0.25। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए प्रोबेबिलिटी इस पैराग्राफ में हमें मिलती है 0.25। इस तरह से ट्राइग्राम होता है, ट्राइग्राम का फॉर्मूला आप देख सकते हो, डब्ल्यू टी फोर गिवन डब्ल्यू टी माइनस वन डब्ल्यू टी माइनस टू। ट्राइग्राम में हमने कॉम्बिनेशन जो बनाया वो थ्री वर्ड्स के बनाए, ही ट्राई टू, देन ट्राई टू फाइंड, देन टू फाइंड, देन फाइंड अ पोजिशन, देन अ पोजिशन इज, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें एनग्राम भी हमारे पास होता है, एनग्राम मॉडल। एन यहाँ पे एक डिफाइंड नंबर होता है, जस्ट लाइक यदि मैं एन इक्वल टू थ्री करता हूँ तो मुझे यहाँ पे थ्री कंजिक्यूटिव वर्ड्स के पेयर्स बनाने, ही ट्राइड टू, देन ट्राई टू फाइंड, टू फाइंड, फाइंड ए पोजिशन इज, एंड सो ऑन। लेकिन ये हमें जरूरत कहाँ पे पड़ती है, मीन्स ऐसा क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, श्योर आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्यों जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक ये देख लीजिए, एक सेंटेंस है, कैन यू प्लीज कम, एंड ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस में एक प्रेडिक्शन है, हिस्ट्री डेटा है, कैन यू प्लीज कम। देन वो वर्ड जो कि प्रिडिक्ट होने वाला है वो इस ब्लैंक स्पेस पे आता है, तो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो है हियर। कुछ और जो वर्ड्स मिल सकते हैं लाइक अगेन एंड बैक, यदि आप गूगल पे टाइप करते हो कैन यू प्लीज कम, तो आपको हियर सबसे टॉप पे मिलता है, देन अगेन, देन बैक, और कुछ भी और भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से एनग्राम मॉडल का एनएलपी में यूज होता है। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैं आपको देना चाह रहा था कि आगे बढ़ने से पहले आपको ये सब पता रहना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, जहाँ मैं आपको एनएलपी के और भी कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए। थैंक यू।